नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं भद्रा के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे कि भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक है, कैसे देखें। तो आपको ये सब बताऊं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप गोपाल पंडित जी यूट्यूब परिवार पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको आवश्यकता है ज्योतिष कर्मकांड सीखने की उनके पास शेयर करें। देखिए, भद्रा देखना बहुत सरल है। भद्रा देखना बहुत सरल है कि भद्रा कितने बजे लग रही है और कितने बजे समाप्त हो रही है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप यह सीखें कि भद्रा कहाँ की है। एक श्लोक आता है, स्वर्गे भद्राशुभम कुरियात पाताले च धनागमम मृत्युलोके यथा भद्रा सर्व कार्य विनश्यति। अर्थात स्वर्ग लोक की भद्रा सुखदायी और पाताल लोक की भद्रा धनदायी होती है, मृत्युलोक की जो भद्रा होती है वो कष्टकारी होती है। इसलिए भद्रा का मृत्युलोक में ही विचार करना चाहिए। अब कैसे जाने कि भद्रा स्वर्ग लोक में है, पाताल में है या फिर पृथ्वी लोक में है? तो इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि चंद्रमा किस राशि में है। चंद्रमा को चार राशियों में तीन जगह डिवाइड कर दीजिए, अपने आप भद्रा निकल आएगी कि कहां पर है। इसको देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, चाहे बोल करके या टाइप करके किसी प्रकार से सर्च करिए, भद्रा कहाँ है कैसे जाने, या भद्रा कहाँ पर है कैसे देखते हैं गोपाल पंडित जी। ऐसे आप सर्च करेंगे किसी भी कीवर्ड से तो एक मेरा वीडियो आ जाएगा, ये साइड में जो दिख रहा है ये वाला वीडियो आ जाएगा, और इस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि भद्रा कहाँ है, स्वर्ग पृथ्वी या पाताल में। चलिए अब आपको ले चलता हूँ अपने पंचांग में और दिखाता हूँ कि भद्रा कैसे देखी जाती, कितने बजे से कितने बजे तक है। उससे पहले आपको बता दें कि जो पंचांग से मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप इसी पंचांग को खरीदे और इसी पंचांग से देखिए, ऐसा नहीं है। जो भी पंचांग आप प्रयोग कर रहे हैं उस पंचांग में इसी प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कि भद्रा इतने बजे से इतने बजे समाप्त हो रही है। कहीं कहीं पर समय दिया रहता है, कहीं कहीं पर घटी पल दिया रहता है, तो आप घटी पल को समय में भी बदलने का प्रयास कीजिए। यदि आपसे नहीं बनता है तो इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, घटी पल को घंटा मिनट में कैसे बदले गोपाल पंडित जी, मेरा वीडियो ये वाला आ जाएगा, साइड में आप देख लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इनको आप देख लीजिए, आपसे आराम से घटी पल से घंटा मिनट निकालना बन जाएगा, फिर और भी आसानी हो जाएगी आपको भद्रा या मृत्यु बाण इत्यादि देखने के लिए, ठीक। तो चलिए अब आपको पंचांग से भद्रा देखना सिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं श्रावण शुक्ल पक्ष खोल रखा हूँ, श्रावण शुक्ल पक्ष, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को बताया हूँ कि भद्रा देखना आप चंद्रमा से सीखते हैं, ठीक। उसका एक श्लोक है, बहुत सरल श्लोक है, उसे याद कर लेंगे तो आराम से बन जाएगा जो वीडियो में बताया उसमें, ठीक है। मेष वृषभ मिथुलानु स्वर्गे कन्या मृग धन तैतुल नागे कर्क कुंभ सिंह मे नृत्य विचरत भद्रा त्रिभुवन मध्य। बहुत सरल श्लोक है, चंद्रमा के अनुसार जानते हैं। और ये चंद्रमा की राशियां हैं, ये देखिए चंद्रमा इन राशियों में चल रहा है, ठीक। 6 नंबर 7 नंबर 8 9 10 11 इस प्रकार से चंद्रमा के, उस वीडियो को आप देख लेंगे ध्यान में, ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। अभी हम श्रावण शुक्ल पक्ष में हैं और श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, ठीक। हमेशा रक्षाबंधन के दिन लोग भद्रा भद्रा बहुत चिल्लाया करते हैं। तो देखिए भद्रा पहली बात कैसे देखते हैं ये समझ लीजिए। भद्रा यहाँ पर जैसे ये पंचांग आपने खोला है, जिस साइड बहुत डिटेल से दिया रहता है वहाँ पर ऐसे आप देखेंगे तो केवल भा अक्षर लिखा रहेगा, ये यहाँ देखिए। अगर आपको स्पष्ट न दिखाई दे रहा हो तो आप ऐसे जगह पर जाइए जहाँ पर इंटरनेट बढ़िया चल रहा हो, ठीक। या फिर वीडियो के क्या कर लीजिए, वीडियो को ऑफलाइन कर लीजिए तब बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये भा अक्षर लिखा है, भा अक्षर के आगे देखेंगे तो यहाँ 6 घटी और 59 पल लिखा है, ये घटी पल है। घटी पल को घंटा मिनट में कैसे बदलना है ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो मिल जाएंगे। और यहाँ टाइम दिया है 8:24, बहुत जगह बहुत पंचांगों में नहीं दिया रहता, ठीक, यहाँ पर दिया है। और कितने बजे तक है तो यहाँ पर दिया है 38:38 तक, अर्थात रात में 9:03 तक। अब हम देखते हैं उस दिन का, इस तरह देखिए आप हमेशा भद्रा आपको मिलेगा रोज़ दूसरे रोज़, ये देखिए यहाँ भद्रा दिया है, यहाँ भद्रा दिया है, ठीक। और आगे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ, ये भद्रा दिया है, ये भद्रा, ये भद्रा, इस प्रकार से भद्रा आपको बहुत जगह मिलेगी, ठीक। अब पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं, जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन भद्रा कैसे देखें, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, पूर्णिमा के प्रथम भाग में आधे भाग में भद्रा रहती है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर चतुर्दशी तिथि जो है वो कितने बजे समाप्त हो जा रही है, चतुर्दशी तिथि आपकी दिन में 10:11 समाप्त हो जा रही है और 10:12 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर भद्रा में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भद्रा दिया है, ये भालक लिखा है, इसका मतलब भद्रा। देखिए ये भद्रा जो है 11 घटी 15 पल अर्थात इसको टाइम में जब कन्वर्ट करते हैं तो 10:12, जब पूर्णिमा तिथि शुरू हुई थी उसी समय से भद्रा प्रारंभ हो गई। ठीक है, कितने बजे तक है, तो इस बार रक्षाबंधन में जो है भद्रा 38 घटी और 10 पल तक की थी। 38 घटी 10 पल मतलब रात में ये 8:58 तक ये भद्रा थी, अर्थात रात में 9 बजे तक, लगभग 9 बजे के बाद हम लोगों ने राखी बांधा था। इसी प्रकार से आप किसी भी पंचांग में देखेंगे तो वहाँ भा अक्षर लिखा रहेगा, आगे घटी पल या समय या फिर दोनों चीज़ें दिया रहेगा। ठीक, इस प्रकार से भद्रा देखना बहुत सरल, लेकिन भद्रा को जानना ये जरूरी है कि कैसे जाने कि भद्रा कहाँ पर है। ठीक, जैसे कि लास्ट श्लोक की लास्ट लाइन है, कर्क कुंभ सिंह मीन मृत्ये, कर्क कुंभ, ये देखिए कुंभ राशि की चंद्रमा, इसलिए मृत्य लोक में भद्रा मानी जाएगी। ठीक, कर्क कुंभ सिंह मीन मृत्ये विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्ये। तो अब आप लोग बताइए कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा, कि इससे कुछ मदद हो पाई है, यदि हो पाई है, कुछ सीख पाए हैं, तो गोपाल पंडित जी परिवार को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार जिनको आवश्यकता है उनके पास शेयर करें। फिर मिलता हूँ किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।